नमस्कार उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत दोस्तों उत्कर्ष क्लासेज आप सभी के लिए ले लेकर आ रहा है अलग अलग ट्रेड के जो भी हैं प्रश्न और उनके थ्योरी और उनके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस जल्दी स्टार्ट होंगे दोस्तों नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जैसे डीसी मशीन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम डीसी मशीन होती क्या है डीसी मशीन जो है आपको ध्यान में रखना है डी मशीन में हम दो चीजें ध्यान में रखते हैं एक तो हमारे पास होती है डीसी मोटर और दूसरा भाग होता है हमारे पास डीसी जनित्र ये दो चीजें होती हैं और इन दोनों में घूमने वाले भाग और स्थिर भाग इसमें अगर हम बात करें जो स्थिर भाग होता है वो होता है हमारे पास योग और जो घूमने वाला भाग होता है रोटेटिंग पार्ट घूमने वाला भाग जो है दोस्तों वो कौन सा होता है आप सभी को ध्यान में होगा आर्मेचर आर्मेचर जो है घूमने वाला भाग है स्थिर भाग होता है हमारे पास योग इनके डायरेक्ट पूछे जाते हैं योग किस धातु का बना होता है छोटी मशीन और बड़ी मशीनों में योग किस प्रकार के यूज जाते हैं फिर इसके अलावा आर्मेचर से संबंधित प्रश्न वो सभी प्रश्न हम इस क्लास में देखेंगे सिर्फ मशीन के बारे में जनरेटर और मोटर जो है हम अलग से पढ़ेंगे दोस्तों देखिए हमारे पास आर्मेचर आर्मेचर जो है आपको ध्यान है सिलीकन स्टील की सिलीकन स्टील जो होता है उसकी पत्तियों से मिलकर बना होता है इनकी पत्तियों की मोटाई 0.35 पॉइंट mm से जो है हम 0.5 पॉइंट mm तक जो है मोटी पत्तियों का यूज करते हैं दोस्तों ध्यान रखना 0.5 पॉइंट mm तक मोटी सिलिकन स्टील की पत्तियों का यूज किया था अब सिलिकन स्टील जो है आर्मेचर बनाने में या हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में क्यों यूज करते हैं आपको ध्यान होगा कि जो सिलिकन स्टील होता है जो हमारे पास सिलिकन स्टील होती है ये क्या करती है शैथिल्य हानियों को कम करती है जो शैथिल्य हानियाँ होती हैं हिस्टेरेसिस लॉस उनको कम कर देती हैं क्योंकि इनका जो बी एच वक्र होता है वो मीडियम लेवल का होता है ज्यादा बड़ा बी एच वक्र नहीं बनता जिससे पीछे रहने वाली जो रेजिड्यूल मैग्नेट होती है अवशेष चुंबक जो है इनमें कम रहती है और उसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है और ये हमारे घूमने वाला भाग आर्मेचर आर्मेचर के अंदर जो है हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग आपको ध्यान में होगी डीसी मशीनों में हम जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज़ करते हैं दोस्तों दो टाइप की होती है एक होती है हमारे पास लैब टाइप और दूसरी होती है हमारे पास वेव टाइप ध्यान में रखना है वाइंडिंग जो होती है इसमें आपको पता है समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है और वेव वाइंडिंग जो होती है इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होती है दो होती है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो कनेक्शन रखता है कॉमुटेटर शाफ्ट के साथ लगा होता है दोस्तों इसके कई नाम है जिसे हम दिशा प्रवर्तक भी कहते हैं दिशा प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है दिक प्रवर्तक भी कहा जाता है और कॉमुटेटर छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है जिसे हम स्प्लिट रिंग कहते हैं कॉमुटेटर आपको ध्यान है कॉमुटेटर क्या करता है एसी को डीसी में और डीसी को वापस एसी में बदल देता है यह कार्य करता है इसलिए कॉमुटेटर एक किस तरह कार्य करता है मेटल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है दोस्तों कॉमुटेटर एक मेटल रेक्टिफायर की तरह कार्य करने वाली जो है हमारे पास एक डिवाइस है जो मेटल रेक्टिफायर की तरह काम करती है और कॉमोटेटर पर जो है कार्बन ब्रश संपर्क स्थापित करते हैं कार्बन ब्रश जो है कॉमुटेटर क्या करता है आर्मेचर से धारा को एकत्रित कर लेता है और इस एकत्रित धारा को कॉमुटेटर से एकत्रित करके बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य कौन करते हैं कार्बन ब्रश ये होता है हमारे पास स्टेटर कह दो या योक कह दो जो योग होता है दोस्तों उसके अंदर हम फील्ड पोल स्थापित करते हैं जिसमें फील्ड वाइनिंग लगाई जाती है और उन सभी के बारे में आज हम चलते हैं नंबर फर्स्ट प्रश्न जो आप सभी के लिए डीसी मशीन का योग किस धातु का बना हुआ है डीसी मशीन जो है इसका योग जो है किस धातु का बना हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है किसका बना होता है दोस्तों ढलमा लोहा का देखिए जो हमारे पास छोटी डीसी मशीन होती है उनके लिए तो हम कास्ट आयरन का जो है यूज करते हैं दोस्तों और जो हमारे पास बड़ी डीसी मशीन होती है उनके लिए हम जो है कास्ट स्टील के योग का यूज करते हैं दोस्तों ध्यान रखना योग एक महत्वपूर्ण तो भाग है डीसी मशीन का इससे बाकी सभी भागों को जोड़ दिया जाता है योग क्या क्या कार्य करता है वो सारी चीजें हम देखते हैं इस प्रकार से हमारे पास डीसी मशीन के भाग है दोस्तों ये हो गए हमारे पास पोल छू पोल के ऊपर जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है यहाँ पर ये पोल है पोल पर हमने क्या लगा रखा है फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के ऊपर की तरफ जो इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या होते हैं पोल छू पोल छू क्या करता है पुल फील्ड वाइंडिंग को एक तो दबाकर रखता है पकड़कर और दूसरा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को विस्तारित बनाने का यानी कि बड़े एरिया में चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने का कार्य करता है जो योग होता है दोस्तों योग क्या कार्य करता है एक तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है मशीन के सभी भागों को क्या है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है दूसरा ये क्या कार्य करता है दोस्तों योग योग चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है एक पोल से दूसरे पोल के बीच जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है इस प्रकार से गतिशील होता है उसके लिए क्या है कम रिलेक्टेंस का रास्ता प्रदान करता है कम प्रतिष्ठम जो होता है उसका पाथ प्रदान करता है दोस्तों और योग जो है जितना भी चुंबकीय फ्लक्स इसमें चल रहा है उसका आधा भाग यानी कि टोटल चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका फाइव बाई टू की हम बात करें तो इतना भाग जो है धारण करता है योग योग के अंदर घूमने वाला भाग जो है वो है हमारे पास आर्मेचर आर्मेचर से लगा हुआ है और कॉमुटेटर से हमारे पास जो है डीसी धारा आती है दोस्तों ध्यान रखना आर्मेचर कंडक्टर जो है इसमें कौन सी धारा उत्पन्न होती है डीसी मशीन के आर्मेचर में हमेशा एसी धारा होती है जिसे हम कम्यूटेटर की सहायता से किस में बदल लेते हैं डीसी के अंदर बदल लेते हैं दोस्तों ध्यान रखना यहां तक समय में आ गया चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी धारा उत्पन्न होती है आपको अभी बताया है जल्दी से आंसर दीजिए जी हां कौन सी धारा उत्पन्न होती है आर्मेचर कंडक्टर में हमेशा एसी धारा उत्पन्न होगी ध्यान रखना क्लियर यहाँ पर अब देखिए हमारे पास इस प्रकार से डीसी मशीन के लिए क्या है हमारे पास है आर्मेचर ये आर्मेचर है आर्मेचर के साथ ही हमारे पास क्या है कॉम्यूटेटर लगा हुआ है ये है हमारे पास कॉम्यूटेटर ये जो कॉम्यूटेटर है दोस्तों ये छोटी छोटी सप्लिट रिंग का बना होता है सप्लिट रिंग का मतलब है विभक्त वल्य विभक्त वल्य छोटे छोटे रिंग आकार में जो है हार्ड ड्रोन तांबे के छोटे छोटे सेगमेंट मिलाकर जो है हम कॉम्बुटेटर तैयार करते हैं देखिए आर्मेचर के अंदर हमेशा एसी धारा उत्पन्न होगी इसे आउटपुट पर एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं कॉम्बुटेटर का कॉमुटेटर दो कार्य करता है एसी टू डीसी एसी को डीसी में किस में बदलता है जनितर की फॉर्म में जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में ए सी धारा डीसी में बदल देता है और डी सी को ए सी में बदलने का काम कब करता है जब हम मोटर की बात करते हैं मोटर में जब हम डीसी धारा देते हैं तो कोमोटेटर उसको एसी में बदलकर आर्मेचर तक पहुंचा देता है यहां तक समय में आ गया वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये ध्यान रखना है डी सी मशीन में हमारे पास अगर हम बात करें तो घूमने वाला भाग आर्मेचर है आर्मेचर के साथ क्या है कॉमुटेटर लगा हुआ है और एसी मशीन यानी कि अल्टरनेटर की हम बात करें तो अल्टरनेटर जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों अल्टरनेटर में हमारे पास रोटर रोटर के साथ लगी होती है स्लिप रिंग इस रोटर के साथ क्या लगाई जाती हैं स्लिप रिंग होती हैं दोस्तों ये ये जो स्लिप रिंग होती हैं ब्रॉन्ज की बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है याद कर लेना ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है देखिए मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है आपको ध्यान होगा जनरेटर भी बदलता है डायनमो भी बदलता है तो इसलिए सही आंसर जो होगा हमारे पास बी और सी हो जाएगा मोटर क्या करती है दोस्तों मोटर इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारे पास मोटर उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें मैकेनिकल पावर में किसमें कन्वर्ट किस करती है मैकेनिकल पावर में ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट चीज है ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है नेक्स्ट हम बात करें तो डीसी मशीन में अभी आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी उसी में से ये प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिए डीसी मशीन में आर्मेचर के चारों और चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने और फ्लक्स परिपथ को पूर्ण करने में मशीन का कौन सा भाग जो है महत्वपूर्ण तो कार्य निभाता है यहाँ पर या उसको पूर्ण करने में सहायता करता है दोस्तों जल्दी से बताइए यहां पर मैंने बताया था कि डीसी मशीन के अंदर जो है योग योग एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो मशीन के सभी भागों को जो है सहारा प्रदान करता है साथ में वो फ्लक्स को एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचाने के लिए रास्ता पाथ प्रदान करता है और ये जो पाथ होता है जिसमें कम रिलेक्टेंस होती है रिलेक्टेंस क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिष्ठम कहते हैं तो उसको कम करने का कार्य करता है योग ध्यान रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने डीसी मशीन में दिशा प्रवर्तक का कार्य क्या है यह जो दिशा प्रवर्तक शब्द है यही हमारे पास क्या है कॉम्यूटेटर है कॉम्यूटेटर तो जो है दोस्तों इसे कई नाम से जानते हैं इसे कुछ जगह विभक्त वल्य भी कह देते हैं विभक्त वल्य यानी कि रिंग, सपलेटरिंग रिंग भी कह देते हैं कुछ जगह इसको दिक्क प्रवर्तक भी कह देते हैं दिक प्रवर्तक भी कह देते हैं यह आपको मैंने अभी बताया था यह क्या करता है ए को डी में बदलता है कौन सी फॉर्म में ए सी टू डीसी कब होगी जनरेटर की फॉर्म में और डी सी टू ए कब करेगा ये मोटर के अंदर तो इसलिए ए को डी में भी बदल रहा है डी को ए में बदल रहा है तो इसलिए ये एक मेटल रेक्टिफायर है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यहां तक समय में आ गया चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए देखिए कॉमुटेटर की अगर हम बात करें तो कॉमुटेटर जो होते हैं ये उसके होते हैं सेगमेंट ये है हार्ड ड्रोन तांबे का ये जो तांबा बना होता है ये कौन सा है हार्ड ड्रोन तांबा हार्ड ड्रोन तांबा जो है दोस्तों इसका यूज करते हैं हम सेगमेंट बनाने के लिए अब देखिए जो कॉमुटेटर का डिजाइन कैसे क्या आता है कॉमोटेटर के सेगमेंट जो है एक बैकेलाइट की रिंग बैकेलाइट की रिंग होती है आपको पता है, विद्युत का कुचालक होता है बैकेलाइट की रिंग पर कॉमुटेटर सेगमेंट फिट किए जाते हैं कॉमुटेटर सेगमेंट के बैक साइड में एक इस प्रकार से भाग होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों राइजर ये जो राइजर होता है इसी से आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग की जो वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो जुड़े होते हैं दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं उनको जोड़ा जाता है किससे राइजर से ध्यान रखना सेमुटेटर जो है इस प्रकार से डिजाइन होता है छोटी छोटी स्प्लिट रिंग का बनाकर जो है गोल रिंग दे दी जाती है और इसी पर हमारे जो है कार्बन ब्रश जो है दोस्तों जोड़ी जाती है ये होता है हमारे पास कार्बन ब्रश ये जो कार्बन ब्रश है ये क्या है मुटेटर पर घर्षण की क्रिया करके कॉमुटेटर से विद्युत धारा को एकत्रित करके बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करता है कार्बन ब्रश के साथ ही एक नरम तांबे का तार लगा होता है जिसे हम कहते हैं पिगटेल पिगटेल कहते हैं दोस्तों ध्यान रखना यहां पर कॉमुटेटर भी घूमने वाला भाग है और जो हमारे ब्रश होते हैं ये स्थिर होते हैं ध्यान रखना नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो डीसी मशीन में कॉमोटेटर सेगमेंट बने होते हैं आपको अभी बताया था कोमुटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए हार्ड ड्रॉन तांबे के बने होते हैं यह तो हो गए हमारे पास क्या है स्प्लिट रिंग। ये तो कॉमुटेटर के लिए होगी स्प्लिट रिंग। अगर आपसे पूछा जाए रिंग किसकी बनी होती है जो अल्टरनेटर होता है हमारे पास उसमें स्लिपरिंग किसकी बनी होती है दोस्तों अल्टरनेटर में स्लिपरिंग बनी होती है है की जो होता दोस्तों इसका यूज और कहां पर किया जाता है जल्दी से बताइए फास्फर ब्रॉन्ज का यूज होता है जो हमारे मापन यंत्र होते हैं मापन यंत्रों में जो हम हेयर स्प्रिंग कॉयल स्प्रिंग यूज करते हैं दोस्तों उसमें भी हम यूज करते हैं इसका मापन यंत्रों में स्प्रिंग जो बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए बड़ी डीसी मशीनों का योग किससे बनाया जाता है जो बड़ी डीसी मशीनें होती हैं उसका योग किसका बना होता है आपको पहले भी बताया था किसका बना होता है कास्ट स्टील का छोटी डीसी मशीनों के लिए योग बना होता है कास्ट आयरन का ढलमा लोहा यह ध्यान रखना है नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों एक चीज और बता दूं जितनी भी मशीनें होती हैं चाहे आप लैथ मशीन ले लो इंजन ब्लॉक ले लो चाहे हमारे पास मोटर है ज्यादातर इनकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनाई जाती है ध्यान रखना नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए बड़ी डीसी मशीनों में किस प्रकार के पोल यूज किए जाते हैं बड़ी डीसी मशीनों में किस प्रकार के पोल जो है यूज किए जाते हैं दोस्तों ध्यान रखना पोल हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक लेमिनेशन पोल शूट सहित और दूसरा होता है मोल्डेड पोल शूट यानी कि मोल्डेड पोल वो पोल है जो मशीन को ढलाई करते समय उसके फ्रेम को जो है ढलाई करते समय उसके अंदर ही बना दिए जाते हैं और जो मोल्डेड जो लेमिनेशन पोल शू होते हैं इनका यूज हम करते हैं बड़ी मशीनों में छोटी मशीनों में हम यूज करते हैं मोल्डेड पोल का ध्यान रखना छोटी मशीनों में और इसका किस प्रकार से है ऐसे ढलाई करके हमने जो योग का डिजाइन किया तो योग के अंदर ही जो है मोल्डेड पोल बना दिए जाते हैं ध्यान रखना और जो हमारे पास लेमिनेशन पोल होते हैं दोस्तों ये अलग से डिजाइन किए जाते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से ये पोल शू सहित इस टाइप से होते हैं और इनको जो है नट बोल्ट की सहायता से हम जो है योग के अंदर जो है फिट कर देते हैं ये होता है हमारे पास शू प्लेट दोस्तों और ये होते हैं हमारे पास पोल पोल जो होता है इस पर हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग जो है स्थापित कर देते हैं दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर क्या है फील्ड वाइंडिंग की जाती है और फील्ड वाइंडिंग भी कुछ पोल ऐसे हैं जिन पर फॉर्मर कॉयल का यूज करते हैं पहले से बनाई हुई बॉबिन पेपर लगाकर कॉयल जो है इस पर रखकर हम इसको योग के अंदर जो है नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं इस प्रकार के पोल छू ज्यादातर बड़ी मशीनों में यूज किए जाते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मशीन का आर्मेचर चाहे हम ट्रांसफार्मर की कोर की बात करें तो इसके लिए एक शब्द जरूर आता है सिलिकॉन स्टील जो हमारे पास सिलिकन स्टील है दोस्तों यही इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील जो है और आर्मेचर बनाने के लिए जो हम सिलिकॉन स्टील की पत्तियां यूज करते हैं आर्मेचर बनाने के लिए जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का यूज किया जाता है दोस्तों वो उनकी मोटाई याद रखना इनके लिए जो हम पत्तियां का यूज करते हैं दोस्तों ये होती है जीरो पॉइंट थ्री फाइव एम एम से हम जो है जीरो पॉइंट फाइव एम एम तक यूज करते हैं उसके अलावा याद रखना जो हमारे पास आर्मेचर होता है इस पर जो हम लैमिनेशन करते हैं लेमिनेशन की मोटाई भी जो है मशीनों में 0.25 से लेकर 1 एम mm तक रखी जाती है लेकिन ज्यादातर सामान्य तौर पर जो है हमारे पास 0.5 mm तक जो है हम मोटाई रखते हैं लेमिनेशन की लेमिनेशन करने से क्या होता है भंवर धारा हानिया क्या होती हैं कम होती है क्या हो जाता है दोस्तों भंवर धारा हानिया क्या है कम होती हैं। याद कर लेना सिलिकॉन स्टील से क्या होता है मशीनों में शथिल्य हानियां कम होती हैं क्या होता है शैथिल्य हानिया हिस्टेरेसिस कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं मशीनों में और भवरदारा हानिया कम करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं लेमिनेशन यूज करते हैं यहां तक समय में आ गया चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए डीसी मशीनों में घूमने वाला भाग कौन सा है आपको पहले भी बताया है आर्मेचर ये योग स्थिर भाग है दोस्तों ध्यान रखना योग स्थिर भाग है कार्बन ब्रश भी क्या है स्थिर रहते हैं एंड प्लेट एंड प्लेट भी आपको पता है जो हम दोनों तरफ से शाफ्ट के अंदर बैरिंग लगाकर जो है हम इसको योग के साथ बांध देते हैं एंड प्लेट एंड प्लेट भी दो टाइप के होती है एक फ्रंट एंड प्लेट एक होती है रियर एंड प्लेट देखिए इसको समझिए ये हमारे पास आर्मेचर है दोस्तों आर्मेचर और इसकी ये शाफ्ट होगी हमारे पास और यहां पर हमने बना लिया कॉम्यूटेटर ये है हमारे पास कम्यूटेटर कम्यूटेटर साइड में यहां पर जो एंड प्लेट लगेगी इस एंड प्लेट को कहते हैं फ्रंट एंड प्लेट ये होती है फ्रंट एंड प्लेट इसी के साथ हम क्या लगा देते हैं फ्रंट एंड प्लेट के साथ ही दोस्तों यहां पर लगे होते हैं कार्बन ब्रश फ्रंट एंड प्लेट के साथ क्या है यहां पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं ये ध्यान रखना है कार्बन ब्रश और इसी के साथ ब्रश होल्डर सारे किसके साथ है फ्रंट एंड प्लेट के साथ और जो प्लेट यहां पर होती है इस साइड में इसे हम कहते हैं रियर एंड प्लेट रियर एंड प्लेट दोस्तों रियर एंड प्लेट जो है इसमें भी क्या है यहाँ पर बॉल बैरिंग रोलर बैरिंग जो होते हैं हमारे पास ज्यादातर हम मशीनों में डीसी मशीन है चाहे मोटर वगैरह में जनरेटर में ज्यादातर हम बॉल बैरिंग का यूज करते हैं ध्यान रखना ये जो बॉल है, इनका यूज आता है और यहाँ पर बॉल बैरिंग लगाकर प्लेट के योग के साथ दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी देखिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग आर्मेचर बनाने में क्यों किया जाता है ये वापिस वैसा ही प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये किसके लिए शथिल्य शथिल्या कम करने के लिए और भवरदार हानियां कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों लेमिनेशन कर देते हैं लेमिनेशन जो है है कोर पर किया जाता को भवरदार हानियां क्या हो जाती है कम हो जाती है समझ में आ गया नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए वर्तमान में आर्मेचर वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के आर्मेचर स्लोट का यूज किया जाता है देखिए जो आर्मेचर होता है उस पर हमारे पास अलग से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें वाइंडिंग स्थापित करने के लिए। एक होते हैं ओपन स्लोट। ओपन स्लोट जो है, दोस्तों बिल्कुल इस टाइप से जो है बनाए जाते हैं इस टाइप से आर्मेचर के ऊपर ओपन स्लोट का नुकसान क्या है इस पर हमने जैसे ही फील्ड वाइंडिंग लगा दी जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण ओपन स्लोट के अंदर हुई वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग क्या है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जब जनरेट होगी तो इसको बाहर फेंक देगी दूसरी होती है हमारे पास सेमी क्लोज सेमी क्लोज जो हमारे पास स्लोट होते हैं दोस्तों उसको ध्यान से देखोगे तो वो स्लोट जो है आर्मेचर पर आपको इस प्रकार से नजर आएंगे इस प्रकार से जो है स्लोट जो है आपको आर्मेचर पर नजर आएंगे दोस्तों ध्यान रखना इस प्रकार से बने हुए स्लोड जो है आपको नजर आएंगे आर्मेचर पर अब यहाँ पर अगर हम फील्ड वाइंडिंग कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी इस पर इफेक्ट कम पड़ता है इसलिए सर्वाधिक जो हम यूज करते हैं सेमी स्लो क्लोज टाइप जो है यूज करते हैं दोस्तों ध्यान रखना थर्ड होते हैं हमारे पास बिल्कुल क्लोज्ड जो बिल्कुल बंद टाइप होते हैं दोस्तों वो तो इस प्रकार से होते हैं आर्मेचर के अंदर इस प्रकार से जो है बनाए जाते हैं अब इस प्रकार के स्लोट हैं तो इनमें एक एक वायर डाल के वाइंडिंग करना बहुत कठिन होता है इसलिए सर्वाधिक यूज करते हैं हम अर्ध बंद प्रकार के स्लोट का दोस्तों ध्यान रखना और ये जो खुले टाइप होते हैं ना इस टाइप के इससे क्या है जो फ्लक्स जनरेट होती है वो गुच्छों के रूप में होगी जिससे एक समान हमारे पास जो है धारा उत्पन्न नहीं हो सकती ध्यान रखना सर्वाधिक यूज हम किसका करते हैं बंद प्रकार के नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों डीसी मशीन में न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों याद कर लेना कितनी होती है दो होती है यह है हमारे पास न्यूनतम और आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कितनी होती है दोस्तों तो आपका आंसर होगा आठ डीसी मशीन में अधिकतम पोलों की संख्या आठ न्यूनतम कितनी होती है हमारे पास दो होती है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों आर्मेचर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है आपको अभी बताया था जल्दी से आंसर दीजिए कितना होता है दोस्तों जीरो पॉइंट थ्री mm फाइव एम एम से लेकर जीरो पॉइंट फाइव mm एम एम तक वेरी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना यह प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों मुटेटर के सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से रोकने के लिए सेगमेंट के बीच में क्या लगाया जाता है जो हमें ध्यान में रखना देखिए इस प्रकार से हमारे पास है ये कोमुटेटर के सेगमेंट है ये हमारे पास क्या है कॉमुटेटर के क्या है दोस्तों सेगमेंट ये सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो इनके बीच हम क्या लगा देते हैं यहां पर यहां पर दोस्तों क्या लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं माइका माइका जो होता है ये आपको ध्यान है ये ऊष्मा का तो चालक होता है माइका जो है एक प्रकार से ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का क्या है कुचालक होता है विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट है ये विद्युत का कुचालक ऊष्मा का चालक होती है कौन माइका और माइका आपने देखा होगा विद्युत प्रेस में भी हम जो सोल प्लेट होती है उस पर भी हम माइके का यूज करते हैं हीटिंग प्लेट के बीच और सोल प्लेट के बीच क्या हो जाएगा आंसर माइका और जो जो हमारे पास ध्यान रखना जो है पर के सेगमेंट्स को बनाकर जो है एक रिंग के रूप में बना दिया जाता है और राइजर आपको मैंने बता ही दिया राइजर जो कॉमुटेटर का सेगमेंट होता है इस प्रकार से सेगमेंट के बैक साइड में इस प्रकार से जो है बनाई जाती है जिससे हम जो है दोस्तों फील्ड uh, वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर की उसके कनेक्शन जो है राइजर से कॉइल को जोड़ दिया जाता है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए नेक्स्ट आपके लिए कॉमुटेटर का कार्य क्या है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बार बार पूछा जाता है और यह प्रश्न कई बार गलत भी हो जाता है कॉमुटेटर किसकी तरह कार्य करता है कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह दोस्तों किसकी तरह फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, तरह कार्य करती है कम्यूटेटर ध्यान रखना फुल वेव रेक्टिफायर की तरह दोस्तों कार्य करता है और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात करें तो उसमें हम दो डायोड का यूज करते हैं दोस्तों ध्यान रखना और एक होता है हाफ हाफ वेव वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर जो होता है इसमें एक डायोड का हम यूज करते हैं दोस्तों ध्यान रखना और जो डायोड होता है डायोड आपको पता ही है डायोड ए को डीसी में बदलने के लिए हम यूज करते हैं डायोड रेक्टिफायर जिसे हम कहते हैं यहां तक समझ में आ गया नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों आर्मेचर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है बाहरी परिपथ में किसके माध्यम से भेजते हैं देखिए आर्मेचर के स्लॉट्स जो होते हैं उनमें जो वाइंडिंग हमने ये हमारे पास आर्मेचर है आर्मेचर पर यहाँ पर जो भी वाइंडिंग है इनमें जितना भी ई जनरेट हो रहा है आर्मेचर चालकों में इस ई को कम्युकेटर सेगमेंट्स क्या है अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं और इसको एकत्रित करके बाहर भेजने का कार्य कौन करता है कार्बन ब्रश तो कोमुटेटर से धारा को एकत्रित करके बाहर भेजता है लेकिन आर्मेचर चालकों से कहा आया हमारे पास कोमुटेटर में यह ध्यान रखना है कॉम्बेटर ने आर्मेचर चालकों से यहाँ पर एकत्रित की इसको एकत्रित करके आगे कौन भेज रहा है वो है हमारे पास कार्बन ब्रश नेक्स्ट हम बात करें तो कॉमुटेटर से धारा को एकत्रित करके बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य कौन करता है कार्बन ब्रश वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों याद कर लेना कार्बन ब्रश नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास इस प्रकार से देखिए कार्बन ब्रश के बारे में देख लीजिए कार्बन ब्रश इस प्रकार से होते हैं और इसके ये जो बैक साइड में है जिसे हम कहते हैं पिग टेल और ये जो पिग टेल होती है इसके आगे जो है हम यहां पर जो है कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों आउट के लिए ध्यान रखना क्लियर नेक्स्ट है आपके लिए छोटी डीसी मशीनों में ब्रश किस धातु के उपयोग कियाते हैं देखिए जो हमारे पास डीसी मशीनें होती हैं, इनमें जो ब्रश है वो अलग अलग यूज किया छोटी डीसी मशीनों में हम यूज करते हैं कार्बन का और बड़ी डीसी मशीनें जो होती हैं दोस्तों बड़ी डीसी मशीनों में हम यूज करते हैं दोस्तों किसका तांबा और ग्रेफाइट के ब्रश का वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रश कोमुटेटर पर एक तो स्पार्किंग को कम करता है कार्बन ब्रश क्या करते हैं कार्बन क्या करता है दोस्तों कार्बन ब्रश क्या करता है एक तो पर स्पार्किंग कम करने के लिए स्पार्किंग कम करने के लिए दूसरा आपको पता ही है जो भी ब्रश होते हैं कार्बन ब्रश है या कोई भी है ब्रश पर जो वोल्टेज ड्रॉप मानी जाती है स्पार्किंग के कारण याद कर लेना वो होती है हमारे पास लगभग दो वोल्ट हम मानते हैं कि डीसी मशीन में कोमुटेटर पर स्पार्किंग के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है लगभग दो वोल्ट के आसपास जो है माना जाता है यहाँ तक समझ में आ गया नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रश के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक ये जो घर्षण गुणांक है ये है कॉमुटेटर और ब्रश के बीच जो घर्षण हो रही है उसके लिए घर्षण गुणांक न्यूनतम कितना रखा जाता है दोस्तों तो कितना होता है जीरो पॉइंट टू टू अधिकतम पूछा जाए कि अधिकतम ब्रश गुणा घर्षण गुणांक कितना होता है तो आपका आंसर होगा जीरो पॉइंट फोर फोर न्यूनतम जीरो पॉइंट टू टू है अधिकतम है हमारे पास जीरो पॉइंट फोर फोर ध्यान रखना नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए ग्रेफाइट ब्रुश का धारा घनत्व यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों धारा घनत्व इसको देख लीजिए विद्युत धारा घनत्व यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जिसको हम जे से लिखते हैं और ये क्या होती है एक सदिश राशि होती है दोस्तों ये भी एक क्या है हमारे पास सदिश राशि है तो इसको लिखते हैं हम जे बराबर आई ए अप। आई अपोन ए ए है हमारे पास धारा और ए है हमारे पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोस्तों और इसका जो यूनिट होता है हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है धारा का मात्र क्या है एम्पियर धारा का मात्र आपको ध्यान है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्र क्या होता है मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो है विद्युत धारा घनत्व का मात्रक दोस्तों और यहां पर पूछा गया है कि ग्रेफाइट ब्रश जो नरम ग्रेफाइट ब्रश होते हैं वो कितनी धारा जो है बाहरी परिपथ में मैक्सिमम भेज सकते हैं धारा घनत्व की हम बात करें तो इसका होता है नौ से 9.5 पॉइंट पांच एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर नाइन से 9.5 पॉइंट फाइव एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ये तो किसका है नरम ग्रेफाइट ब्रश का याद कर लेना नर्म ग्रेफाइट ब्रश का ठीक है उसके बाद ये वाला जो धारा घनत्व है दोस्तों पंद्रह से सोलह एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर यह होता है जो हमारे पास कॉपर और कार्बन के ब्रश होते हैं यह है हमारे पास कॉपर प्लस कार्बन ब्रश का याद कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो है ये वाला जो है हमारे पास दोस्तों पांच से छह एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ये लगभग कार्बन जो होती है हमारे पास उसका हम यूज करते हैं ये उस कार्बन जो है क्यों यूज किया जाता है कार्बन भी आपको ध्यान में होगा कार्बन भी एक अर्ध चालक की तरह व्यवहार करता है सेमी कंडक्टर की तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कार्बन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है जिस कारण से इसकी चालकता क्या है दोस्तों बढ़ती है ध्यान रखना। बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम होता है, है। चालकता बढ़ती है, तो कार्बन एक किस टाइप की है एन नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक वाला जो है इसलिए इसको अर्धचालक की तरह हम कह सकते हैं कि व्यवहार करता है ध्यान रखना यहां तक समय में आ गया और ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है नरम ग्रेफाइट ब्रश का धारा घनत्व कितना होता है से पूछ सकता है तांबा जो है ब्रश उसका कितना होता है ध्यान रखना नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है रोकर आरम ब्रश होल्डर डीसी मशीन में किस स्थान पर फिट किए जाते हैं ये आपको मैंने पीछे भी क्लास में बताया है कि रोकर आरम और जो ब्रश होल्डर है वो हमारे पास कहां पर फिट होते हैं जो हमारे होती है फ्रंट एंड प्लेट फ्रंट एंड प्लेट का मतलब है जो कॉम्यूटेटर साइड होती है कॉम्यूटेटर साइड में जो हम प्लेट यूज करते हैं दोस्तों उस तरफ होता है हमारे पास रोकर आर्म और ब्रश होल्डर ध्यान रखना यहां तक नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है वेरी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना ये आने वाले एग्जाम में कभी भी आपको दिख सकता है कॉमोटेटर पर ब्रश का दबाव रखा जाता है देखिए कॉमोटेटर पर अगर ब्रश की दबाव ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा घर्षण के कारण जो है के सेगमेंट वहां से उखड़ सकते हैं या उन पर गड्ढे बढ़ सकते हैं दोस्तों तो इसलिए एक दबाव निश्चित लिमिट के अंदर रखा जाता है तो कितना होता है दोस्तों जल्दी से बताइए कितना होता है 0.1 पॉइंट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 0.25 पॉइंट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जैसे हम ग्रेफाइट ब्रश की बात करें ग्रेफाइट वाला है तो उसका से ब्रश पर दबाव किसके माध्यम से ब्रश के बैक साइड में एक स्प्रिंग होती है और उसी के साइड में जो हमारे रोकर आर्म होती है उसकी सहायता से हम एक दबाव सुनिश्चित करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके सामने है किसी डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार पूछा गया है। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों जल्दी से बताइए कितना होता है एक ओम तक या एक ओम से कम या एक ओम से कम होता है दोस्तों ध्यान रखना अब एक चीज और ध्यान रखनी है जो हमारे पास निम्न प्रतिरोध होते हैं निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं दोस्तों वो होते हैं एक ओम से कम या एक ओम तक के प्रतिरोध को हम निम्न प्रतिरोध जो मध्यम प्रतिरोध होता है दोस्तों वो माना जाता है एक ओम से लेकर कितना एक ओम से सौ किलो ओम तक और इसके बाद उच्च प्रतिरोध की मैं बात करूं तो उच्च प्रतिरोध हम मानते हैं 100 किलो ओम से अधिक 100 किलो ओम से अधिक दोस्तों ध्यान रखना अब जो 100 किलो ओम से अधिक प्रतिरोध किसका होता है जो हमारे पास होते हैं कार्बन प्रतिरोध जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं जो हम यूज करते हैं उनका और जो मध्यम प्रतिरोध होते हैं इसमें हमारे पास जितने भी घरेलू उपकरण होते हैं उनका आ जाता है दोस्तों और निम्न प्रतिरोध में जैसे हमारे पास डीसी मशीन आर्मेचर डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध है इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम अमीटर होता है अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके एक ओम से कम होती है इसलिए हम लिख सकते हैं अमीटर के गुणक अमीटर के जो मल्टीप्लायर होते हैं उनका भी रेजिस्टेंस क्या है एक ओम से कम रखा जाता है यहां तक समय में आ गया नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए इस प्रकार से देखिए और भी जितने भी आपके ट्रेड हैं उनकी क्लासे भी होंगी और जल्दी ही स्टार्ट होंगी दोस्तों डीसी मशीन में धारा को ब्रश से ब्रश होल्डर तक स्थानांतरित करने का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़कर आंसर दीजिए डीसी मशीन में धारा को ब्रश से ब्रश होल्डर तक स्थानांतरित करने का कार्य कौन करता है यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास पिग टेल पिग टेल ये कार्बन ब्रश है कार्बन ब्रश के बैक साइड में आपने देखा होगा इस प्रकार से नरम तांबे का तार होता है उससे बनाई जाती है दोस्तों और ये जो पिग टेल है ये ब्रश से धारा को ब्रश होल्डर तक स्थानांतरित करती है और ब्रश होल्डर पर जो टर्मिनल लगे होते हैं उससे हम आउटपुट ले लेते हैं नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए फील्ड चुंबक के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं जो हमारी फील्ड मैग्नेट होती है दोस्तों फील्ड मैग्नेट का मतलब है जो हमारे पास इस प्रकार से हम फील्ड मैग्नेट पोल पर बनाते हैं दोस्तों इस प्रकार से फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं इस प्रकार से ये हमारे पास पोल शू होता है और ये है हमारे पास पोल ये पूछा गया है तो अब यहां पर पूछा गया कि फील्ड चुंबक जो है हमारे पास फील्ड मैग्नेट है उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है देखिए ऊपरी भाग जो है ये होता है हमारे पास पोल कोर पोल जिसे हम कहते हैं दोस्तों पोल कोर कह सकते हैं और ये नीचे वाला भाग जो है जिसे हम पोल छू कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा पोल क्रोड ये ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न किसी प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग में कार्बन ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है जल्दी से बताइए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ये किसमें लैप वाइंडिंग में आपको ध्यान रखनी है कुछ चीजें आर्मेचर के अंदर जो हम वाइंडिंग करते हैं दोस्तों दो प्रकार की होती है आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं एक होती है लैप और दूसरी होती है वेव लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या है पोलों की संख्या के बराबर समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है और वे वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है दो होती है तो इसीलिए लैप वाइंडिंग का यूज हम करते हैं निम्न वोल्टेज अधिक धारा के लिए इसका यूज कहां पे? निम्न वोल्टेज अधिक धारा के लिए निम्न वोल्टेज और अधिक धारा वाले स्थानों पर इसका यूज करते हैं अधिक वोल्टेज कम धारा वाले स्थानों पर कहां पर अधिक वोल्टेज और कम धारा वाले स्थानों पर ध्यान रखना जहां पर और ये आपने देखा होगा लैप वाइंडिंग अगर मैं बताऊं आपको तो लैप वाइंडिंग आपने देखी होगी जो हमारे पास पृथक उत्तेजित जनित्र होते हैं जिसका यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं जो पृथक उत्तेजित ये ध्यान रखना है एक्साइटेड जो जनित्र होते हैं दोस्तों उनमें हम इसका यूज करते हैं जैसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है ध्यान रखना क्लियर यहां पर अब लैब वाइंडिंग है तो इसमें कार्बन ब्रशों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर और जो वे वाइंडिंग होती है इसमें कार्बन ब्रश पूछा जाए तो इसमें कार्बन ब्रश कितने होते हैं हमारे पास दो होते हैं कार्बन ब्रश होते हैं दो दोस्तों धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ेंगे हाई लेवल की तरफ इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत सारे हैं ये प्रश्न बार बार आते हैं आपके एग्जाम में और फिर भी आप गलत कर देते हो ध्यान रखना लेफ वाइंडिंग का ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों डीसी मशीनों में समान्यता कॉयल किस प्रकार की प्रयोग की है कुंडलियां किस प्रकार की प्रयोग की थी वेव वाउंड लेफ वाउंड देखिए लेव और वेव तो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके बाद ओपन कोयल और क्लोज कोयल इसमें से देखते हैं ओपन कोयल वाइंडिंग ज्यादातर यूज करते हैं हम एसी मशीनों में डीसी मशीनों में हम ज्यादातर बंद प्रकार की वाइंडिंग करते हैं ध्यान रखना डीसी मशीनों में हम ओपन कोयल जो है इसका एसी मशीन में हम यूज करते हैं दोस्तों और इसमें हम जो है इस प्रकार से नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए फ्लैमिंग का दाया हस्त नियम फ्लैमिंग ने दो नियम दिए थे एक राइट हैंड रूल था और एक लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग ने हमें दो रूल दिए थे दोस्तों एक इसका था राइट हैंड रूल और दूसरा था हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल देखिए राइट हैंड की हम बात करें तो जैसे विवाह शादी वगैरह में हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं राइट हैंड यानी कि जनित्र से संबंधित है दाया हस्त नियम जो है ये जनित्र से संबंधित है दोस्तों इस नियम पर कौन कार्य करता है जनित्र और डायनमो और लेफ्ट हैंड रूल जो है दोस्तों ये है हमारे पास डीसी मोटर मोटरें जो हैं वो लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करती हैं और राइट हैंड रूल जो है दोस्तों दाया हस्त नियम जो है फ्लेमिंग का वो कार्य करता है किस पर जनित्र पर ध्यान रखना यह बात क्लियर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों किस पर हो जाएगा डीसी जनित्र पर अब आपने यहां पर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे की ट्रांसफार्मर जो है माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है कार्य करता है दोस्तों याद कर लेना वेरी इंपोर्टेंट है और अल्टरनेटर भी सेम ही है माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है यहां तक समय में आ गया नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो कॉमुटेटर खंडों को साफ करने के लिए जो के सेगमेंट होते हैं उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों सिंपल सा है कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए डीसी मशीनों में आर्मेचर लेमिनेशन की सामान्यता मोटाई कितनी रखी जाती है यह आपको मैंने पहले भी बताया था डीसी मशीनों में लैमिनेशन की मोटाई जो है ज्यादा 0.5 से 1 एम mm तक रखते हैं तो हमारे पास कितना है 0.5 पॉइंट रखी जाती है नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है डीसी मशीनों में घर्षण हानियां किस पर निर्भर करती है डीसी मशीनों में जो घर्षण हानियां है वो किस पर निर्भर करती हैं वोल्टेज पर धारा पर या गति पर तो किस पर करती हैं दोस्तों धारा पर घर्षण हानिया धारा पर निर्भर करती हैं लोड धारा इस पे निर्भर करती हैं धारणा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए डीसी मशीनों में कार्बन ब्रशों की मूल लंबाई का कितना घिस जाने पर उन्हें बदल देना चाहिए देखिए जो कार्बन ब्रश है वो अपनी लंबाई का अगर दो बटा तीन भाग घिस जाते हैं यानी कि छियासठ पॉइंट छियासठ प्रतिशत तो उन्हें क्या है बदल देना चाहिए और शेष भाग पूछा जाए तो वो आपका है तैतीस पॉइंट थ्री थ्री प्रतिशत जो है हमारे पास वो इतना है शेष इतना रह जाए तो बदल देना चाहिए अब देखिए जो हमारे पास कार्बन ब्रश है और इसकी सेगमेंट की चौड़ाई सेगमेंट की चौड़ाई और कार्बन ब्रश जो है इसके बीच भी संबंध होता है दोस्तों और बड़ी संख्या जो होती है ब्रशों की संख्या किस पर निर्भर करती है यह भी ध्यान रखना है एक क्वेश्चन यह भी बनता है अगर आपसे पूछा जाए ब्रशों की संख्या किस पर निर्भर करती है किसी भी मशीन में ब्रशों की संख्या किस पर निर्भर करती है तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा पर किस पर धारा पर दोस्तों ध्यान रखना ब्रशों की संख्या धारा पर अगर आपसे पूछा जाता है डीसी मशीन में ब्रशों की स्थिति क्या होती है डीसी मशीन में ब्रशों को किस स्थान पर रखा जाता है ब्रश की स्थिति के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये एम एन ए पर यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ध्यान रखना मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर हम ब्रशों को स्थापित करते हैं ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे प्रश्न जिसमें हम जनरेटर मोटर इन सभी से बनने वाले प्रश्न ये तो सिर्फ एक सिंपल सा था कि डीसी मशीन क्या है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है जनरेटर वगैरह उन सभी के बारे में पढ़ेंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद